और जोड़ते हैं हमारे कार्यक्रम में सोना कॉमस्टार के मैनेजमेंट अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हैं कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह जी, जिनसे बात करते हैं Q4 नतीजों पर। बहुत बहुत स्वागत आपका विवेक विक्रम जी यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। जो रेवेन्यू और मार्जिन हमने देखा है उसका एक आउटलुक आपसे लेना चाहेंगे आने वाली तिमाही और उसके उसके जो वित्त वर्ष है वो फाइनेंशियल ईयर है उसको लेकर, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस जो बढ़े थे, इन्फ्लेशन बढ़ा था, वो काफ़ी हद तक पास ऑन किया है, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस अब आप मार्जिन के लिए देख रहे हैं आने वाली तिमाही में? अभी तक की जो हमारी परफॉर्मेंस थी काफ़ी अच्छी रही है, सशक्त रही है। अगर हमारे पिछले 7 साल भी देखें तो 36% हमारी वृद्धि रही है हर वर्ष। इस साल भी 36% रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम फ्यूचर गाइडेंस तो नहीं देते तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, बट अगले 3-4 साल में भी इसी तरह की हाई ग्रोथ को हम मेंटेन करते रहे। अब रही बात शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आपने सही कहा कि प्रेशर्स हैं स्पेशली एबिटा मार्जिन्स पे, मगर ये प्रेशर्स हम पास थ्रू कर देते हैं तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पे तो उतना हिट नहीं आता है। बट मैथमेटिकली गणित ऐसी चीज है कि मार्जिन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है, तो प्रतिशत पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें इवेंट बेस्ड है, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री या हमारे बिजनेस मॉडल की प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लिकल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो भी कमोडिटी प्राइसेस, ये स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर की जो बढ़त है ये कम भी होगी, 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से ज्यादा इस प्राइस पे नहीं रह सकते। महंगाई जैसे जैसे कूल डाउन होगी हमारे मार्जिन वापस आना चालू हो जाएंगे जैसे पहले होते थे। तो मार्जिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा जिसको हम काउंटर करेंगे हाई ग्रोथ से, जिसको हम कोशिश करेंगे काउंटर करने की कॉस्ट मैनेजमेंट से, बट हाँ ग्रोथ जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉमिस है उस पे हम अनवरत बढ़ते रहेंगे हमेशा की तरह। विवेक जी यहाँ पर बीईवी सेगमेंट जो है आपका, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करीब 29% के आसपास रहा है चौथी तिमाही में अगर हम देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर में, किस तरह से इसको देखना चाहिए? टोटल जो है कंट्रीब्यूशन किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस सेगमेंट से आपको? तो इसके दो उत्तर हैं, एक तो कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर जो है वही चेंज हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं। आप किसी भी ग्लोबली आप किसी भी कार बनाने वाले को देखेंगे तो उनका मकसद अब ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा ईवी कैसे लॉन्च करें, तो वो एक तरह से हवा हमारे साथ पहले से ही है। दूसरा जो हमारा बिजनेस मॉडल है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत सूटेड है एक्चुअली, क्योंकि हमने टेलर मेड उन्हीं के लिए बनाए ही थे। तो अगर आप देखिए हमारी ऑर्डर बुक 62% ऑर्डर बुक का बैटरी इलेक्ट्रिक से है, तो अगले 10 साल में जितना भी जो भी इंक्रीमेंटल हमारी रेवेन्यू होगी उसका 62% आने वाला है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। आज ये साल अंत हुआ है 25% पे, तो बढ़ता ही रहेगा ये जो परसेंटेज है, और एक दिन ये बात रही नहीं जाएगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस आइस व्हीकल, बिकॉज हमारा जो मानना है कि 2035 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रह जाएंगे 90% से ज्यादा। तो अगर आप ऑटो इंडस्ट्री के में सप्लायर हैं तो आप किस व्हीकल टाइप को सप्लाई करते हैं सवाल ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे व्हीकल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, तो वो दिन भी दूर नहीं है। विवेक जी बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। इस बीच